लेकिन लोग नहीं मान रहे ना, पब्लिक नहीं मान रही, लोग मानते ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिल्कुल आवाम नहीं मान रही है, ये नारे आपने सुन लिए। गिलगित बल्तिस्तान में तो बिल्कुल ही आवाम नहीं मान रही है, क्योंकि वहाँ पर आपने एक मुंतखब शुदा हुकूमत को गिरा दिया। आवाम के मुंतखब शुदा वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को हटाकर अपनी मर्जी का एक खटपुतली वज़ीर आला वहाँ पर आपने मुंतखब कर दिया। मगर अब जब वहाँ पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो आवाम सिर्फ और सिर्फ यही एक नारा लगा रही है कि हम वोट सिर्फ और सिर्फ PTI को देंगे। लेकिन आपने सोचा कि हमारा कांटा लगाने के बाद शायद आवाम भी हमारी तरफ हो जाएगी, हमारी साइड ले लेगी और आवाम भी इनके ऊपर कांटा लगा लेगी। मगर आवाम ने फैसला कर लिया है कि वोट सिर्फ PTI का है, और ये भी साबित हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट किसी के ऊपर कांटा नहीं लगा सकती है। किसी सियासी पार्टी या किसी सियासतदान के ऊपर कांटा सिर्फ आवाम लगा सकती है। आपने फैसला कर लिया कि हमने इन 13 जमातों को सपोर्ट करना है, मगर इन 13 जमातों के ऊपर आवाम ने कांटा लगा लिया। अब आप इलेक्शन करवा के देख ले कि इन 13 पार्टियों को आवाम वोट देती या नहीं देती। यकीनन इन 13 पार्टियों को आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा होश के नाखून ले, आवाम को अपने फैसले खुद करने दें। इसके अलावा इस मुल्क में बेहतरी का कोई और चारा नहीं है। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। Hey,